अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज आई थिंक 2.4। उसमें हमने सीखा था क्यूब निकालना और क्यूब के बारे में सीखा था। क्यूब ऐसा नंबर यानी कि जिस तरह से एक्सपोनेंट में आपका 2 होता है, इसी तरह से उसको हम स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह से क्यूब भी होता है, उसमें एक्सपोनेंट 3 यूज होती है। उस 3 एक्सपोनेंट को या इंडेक्स को हम क्यूब कहते हैं। क्यूब मतलब एक नंबर 3 टाइम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है और उसकी जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है वो हमारा क्यूब कहलाता है। आज जो है हम उसी एक्सरसाइज में क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्यूब सीखा था, आज इंशाल्लाह हम क्यूब रूट ऑफ अ नंबर सीखेंगे। क्यूब ऑफ रूट ऑफ नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और समझते हैं क्यूब रूट। जी आप देख सकते हैं एक्सरसाइज हमारी 2.4 थी। फाइंड द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। और आज जो है हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करते हैं, जिस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, क्यूब रूट फाइंड करने का क्या मेथड है, उसको भी आज समझते हैं अच्छी तरह से। पिछली क्लास में जब मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, वेरी इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है क्लास 8 का बहुत पुअर से पुअर होता जा रहा है। कम से कम आप काम कर रहे हैं समझे कि ना करने के बराबर है। लगता है कि आपको घर पे कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इस वजह से आपका जो काम है बिल्कुल भी आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें कि अपने काम पे तवज्जो दें। आने वाले दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसा ना हो कि आपको परेशानी का सामना हो। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड करते हैं कि किस तरह से क्यूब रूट फाइंड की जाती है। देखिए मैंने एक्सरसाइज 2.4 लिख लिया है, क्वेश्चन 2 भी लिख लिया है। फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 जो है वो हमारा 216 है। अब देखें स्क्वायर रूट तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखी है, बहुत काफ़ी टाइम सीखी है। अब क्यूब रूट भी आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से उसमें रेडिकल का साइन देते हैं, इसमें भी पहला स्टेप वही है, रेडिकल का साइन देना है। इससे पता चलेगा आपका स्क्वायर रूट है। अब देखें सिर्फ रेडिकल का साइन देंगे तो इससे ये हमें आइडिया नहीं हो रहा कि आया इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है या क्यूब रूट, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अगर सिर्फ इस रेडिकल का साइन देंगे तो कोई इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर देगा। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है क्यूब रूट, लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों में फ़र्क ये है, जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो रेडिकल के साथ यहाँ पे छोटा सा 3 भी यूज़ करते हैं यानी क्यूब। तो इससे हमें आइडिया होता है कि ये हम क्यूब रूट का सिंबल है। जबकि स्क्वायर, जब हम स्क्वायर का रेडिकल देते हैं उसमें हम ये 3 यूज़ नहीं करते हैं। तो ये की पॉइंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह से हम स्क्वायर रूट में रेडिकल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी रेडिकल यूज़ करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके 216 की जो भी मेंबर आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने छोटा सा 3 दिया है, इधर भी छोटा सा 3 देंगे। ये हमें गाइडलाइन करेगा कि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो क्यूब रूट है और ये क्यूब रूट के फैक्टर्स हैं। तो अब क्यूब रूट के फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 216 की। साइड में करेंगे ये एक तरफ रफ वर्क, लेकिन ये रफ वर्क नहीं है, मस्ट भी आपने करना है 216। अब देखें इसके वंस की पोजीशन पे यानी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2। उसके बाद 1 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा। जब 1 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, हमने 6 को इसके साथ मिलाना पड़ेगा। इसके 2 स्टेप हैं, या 6 को हम साथ मिलाएंगे फिर 0 देंगे फिर 8 का टेबल बढ़ेंगे, या आप ऐसे समझ लें कि जब आपका डिवाइज़र से छोटा नंबर आ जाए या छोटा डिजिट आ जाए तो आपने 0 ऐड करना होता है, जिस तरह से हम डिवीजन में करते हैं। नहीं तो ये ख्याल रखें कि जब आपका छोटा डिजिट आ गया अब आप इस पे टेबल नहीं पढ़ सकते हैं तो आपने दूसरा डिजिट भी इससे मिलाना है तो फिर नीचे 0 देना है। तो हमने भी 0 दे दिया है एज अ चार्ज के तौर पे। अब उसके बाद हम दूसरा डिजिट मिला लिया हमने उससे तो ये हो गया 16। अब इस पे टेबल पढ़ेंगे तो 2 एड जा हो जाएगा 16। उसके बाद अगेन
यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, फिर हम टू के टेबल से इसको करेंगे। देखें शुरू में छोटा डिजिट है, आप नंबर मिला सकते हैं, जीरो देने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया 2 5 10, उसके बाद आगे 4 है, 2 4 8, फिर अगेन यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, फिर 2 से हो जाएगा आपका, ये आपका 2 का टेबल पड़ेंगे, 2 2 4, 2 3 6 ज़्यादा होगा इसलिए 2 2 4, 5 में से 4 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, 1 आगे चला जाएगा, 14 हो जाएंगे, 2 7 14। उसके बाद अब यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, तो ये आपका 2 से नहीं होगा, ये ऑड नंबर से ही होगा। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल से करेंगे, देखें 3 9 27, उसके बाद 9 अगेन 3 के टेबल से हो रहा है, 3 3 9, उसके बाद 3 बचा, 3 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 1 3। अब जब देखें एंड में आपका 1 आ जाएगा, इट मीन्स कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो ख़त्म हो गई है, क्लोज हो गई है। इसमें कोई भी नंबर ऐसे अपनी मर्जी से नहीं उतरेगा, सारे नंबर आपने डिवाइड करने हैं। डिवाइड के बगैर अगर ऐसे ही नंबर कोई ऊपर का डिजिट आप नीचे ले आएंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 2 2 और 3 3 3, यानी 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है। ये आप लिखेंगे जो आपने फैक्टराइजेशन के लिए रेडिकल बनाया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखें 2 3 टाइम 2 लिख लिया, 3 टाइम 3 लिख लिया, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम क्या करते थे कि स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते थे, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इसमें भी पेयरिंग करनी है, लेकिन वो क्योंकि स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर का सिंबल 2 होता है, इसलिए उसमें हम दो दो नंबर की, दो दो डिजिट की पेयरिंग करते थे। ये क्योंकि क्यूब रूट है, 3 है, तो इसमें एक पेयर जो बनेगा वो 3 डिजिट से मिलके, यानी 3 नंबर से मिलके बनेगा। 3 सेम नंबर होंगे तो एक 2 आपका या एक नंबर आपका पेयर बनेगा। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 पेयर 2 है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, इसी तरह से 3 3 है तो ये भी आपका एक पेयर बन जाएगा। तो जब पेयरिंग हो जाएगी, दो नंबर आपको मिल गए हैं, क्योंकि दो नंबर हैं तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ये लिखना है सेम 216, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो ये हमारी क्यूब रूट है 6। 216 की जो क्यूब रूट है वो हमारी 6 है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है तो 6 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर आएगा वो 216 ही आना चाहिए। आपको रफ़ करके दिखाता हूँ, देखें 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36, फिर 36 6, आप कर लें रफ़ वर्क करें, 36 6, अब 6 6 36, 3 कैरी चला जाएगा आपका, तो 6 3 18 18 और 3 21। तो देखें बिल्कुल वही आंसर आया है क्वेश्चन वाला, 216। इट मीन्स कि हमारी जो क्यूब रूट निकली है वो परफेक्ट है, परफेक्ट क्यूब रूट है। वेरी इजी, यकीनन आपको समझ आ गया होगा, आगे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन मज़ीद और करवा देता हूँ, उसके बाद 2 आप करिएगा, होमवर्क है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 27,000, ये मैं आपको करवाता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है 27,000, उसके बाद मैंने क्यूब रूट में भी रख दिया है इसको 27,000, उसके बाद इसके आगे रेडिकल बना दिया है, 3 भी लिख दिया है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब क्या करेंगे, 27,000 की फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 27,000, अब इसके एंड में वैसे तो 0 0 है, 2 से भी हो जाएगा, ये 5 से भी हो जाएगा, चलें 2 से करते हैं छोटे टेबल से, 2 1 2, उसके बाद 7 पे 2 3 6, 2 4 8 ज़्यादा होगा तो 2 3 6, अब 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आगे चला जाएगा, 2 5 10, उसके बाद 2 0 बचेंगे, वो 2 0 इसके साथ आ जाएंगे, अगेन 0 है एंड में, 2 के टेबल से हो जाएगा, 1 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, 13 पे पढ़ेंगे, 2 6 12, 12 माइनस करेंगे 13 में से 1 बचेगा, 1 आगे जाएगा तो 15 हो जाएंगे, 2 7 14, 15 में से 14 कटेंगे 1 बचेगा, आगे आएगा 2 5 10, फिर 1 0 बचा है वो आपका वैसे ही आ जाएगा। अब अगेन 0 है यूनिट प्लेस पे, फिर 2 से होगा, 2 से करते हैं, 2 3 6,
सेवन पे टेबल पड़ेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, क्योंकि टू फोर ज़ा एट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे टू थ्री ज़ा सिक्स होगा तो ये सेवन है, सिक्स माइनस होंगे वन बचेगा, वन आगे चला जाएगा, फिफ्टीन, फिफ्टीन में टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन ज़्यादा होगा, टू सेवन ज़ा फोर्टीन करेंगे तो फिफ्टीन में से फोर्टीन माइनस होंगे वन बचेगा, फिर आगे जाएगा तो टेन हो जाएगा, टू फाइव ज़ा टेन। अब इसके यूनिट प्लेस पे फाइव आ गया है तो ये टू के टेबल से नहीं होगा, ये फाइव है तो फाइव से ही होगा, फाइव का टेबल यूज़ करते हैं। थ्री पे नहीं जाएगा, थर्टी थ्री पे पढ़ते हैं, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। अब फाइव सिक्स ज़ा थर्टी हो गया, थर्टी थ्री था, थर्टी थ्री में से थर्टी माइनस होंगे तो थ्री बचेंगे, आगे आ जाएंगे थर्टी सेवन हो जाएगा, फिर फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव, थर्टी सेवन में थर्टी फाइव माइनस होंगे टू बचेंगे, आगे आ जाएंगे ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव। अगेन यूनिट प्लेस पे फाइव आया है, फाइव से हो जाएगा, फाइव से करते हैं, सिक्स पे फाइव का टेबल पढ़ेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव और टू ज़ा टेन ज़्यादा होगा। अब फाइव वन ज़ा फाइव क्या है, तो सिक्स में से फाइव माइनस करें तो वन आपका बचेगा, वन आगे आ जाएगा, सेवनटीन हो गए, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, क्योंकि फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ज़्यादा होगा। अब 15 आया है, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 आपका बचेगा, 2 आगे आ जाएगा, 5 फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव। अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है, फिर 5 के टेबल से हो जाएगा, ये 5 से करते हैं, 1 पे नहीं जाएगा, 13 पे पढ़ते हैं, 5 थ्री ज़ा 15 ज़्यादा है इसलिए 5 टू ज़ा 10, 13 में से 10 माइनस करें 3 बचेंगे, 3 आगे आएंगे 35, 5 सेवन ज़ा 35। अब जो है यूनिट प्लेस पे 7 है, ओड नंबर है, ओड नंबर से ही होगा, ये 3 के टेबल में आता है, देखें 27, 3 नाइन ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 9 एंड 3 वन ज़ा 3, 1 नीचे आ गया, हमारी फैक्टराइजेशन डन हो गई, कंप्लीट हो गई। हमें जो फैक्टर मिले हैं 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 5 है और 3 टाइम 3 है, ये हमने जो रेडिकल बनाया हुआ है फैक्टर के लिए वो उसमें जाके हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम 2, फिर थ्री टाइम हमारा फाइव है, फिर थ्री टाइम हमारा थ्री है। अभी हमने लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये हम सेम लिखेंगे, ट्वेंटी सेवन सेवन थाउजेंड सेम आ गया। उसके बाद हमने पेयरिंग कर दी है जैसे ऊपर हमने की थी, लेकिन क्योंकि क्यूब रूट है तो थ्री थ्री का एक पेयर बनेगा, तीन थ्री तीन टू हैं तो इसका एक पेयर बन गया, इसी तरह से तीन फाइव हैं एक पेयर इसका आ गया एक फाइव, और तीन थ्री हैं इसी तरह से एक पेयर इसका आ गया, तो तीन डिजिट आपके पास आ गए हैं, तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे आप सेम एज इट इज़, 27,000, आगे जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फाइव ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30, तो 30 जो है 27,000 की क्यूब रूट है। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहें जैसे हमने ऊपर किया था तो आप चेक कर सकते हैं, यकीनन परफेक्ट आंसर आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, यकीनन आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क जो है मस्टली मुझे करके चेक कराइएगा। देखें यकीनन आपको समझ आ गई होगी क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दो क्वेश्चन सिर्फ, जस्ट टू क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके, 729 सेकंड एंड 512 थर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं कर पाए तो आप फिर क्या कहने आपके। तो ये आपका होमवर्क है, आप करके चेक कराइएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, रफ़ कॉपी पे सफाई से होमवर्क करके चेक कराइएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।